बैक टू माय चैनल फ्रेंड फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगी कि ऐसे पौधे जो हमारे गार्डन में फूलों की कमी को भर देते हैं, हमारे गार्डन को कलरफुल बना देते हैं, ऐसे पौधों की कटिंग के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी फ्रेंड। तो नवंबर और दिसंबर के महीने में हम ऐसे कलरफुल जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं उनकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। और ऐसे भी पौधे जो हमें आसानी से हमारे अगल बगल में किसी कॉलेज में या पार्क में कहीं भी हमें मिल जाते हैं, रोड साइड में वगैरह, और वो हमें आसानी से मिल जाते हैं, और कई ज़्यादा पौधे हमें फ्री में भी मिल जाते हैं फ्रेंड। तो हम कैसे कटिंग ला के हम अपने गार्डन में उन पौधों को, कलरफुल पत्तियों वाले पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, और अपने गार्डन का लुक चेंज कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक बना सकते हैं फ्रेंड। तो आज मेरे गार्डन में तो ज़्यादा फूल वगैरह खिले नहीं हैं, कलियाँ बनी हैं सभी में, और लहसुनिया वेल में तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप भी अपने कलर फूल पत्तियों वाले जो भी पौधे होते हैं उनकी कटिंग लाएं, और अभी नवंबर दिसंबर में वो कटिंग अपने गार्डन में ऐड करें फ्रेंड, और आसानी से चल जाते हैं। और कुछ पौधे भी नर्सरी में लेने जाओ तो बहुत महंगे भी मिलते हैं, और वही पौधे हमारे आसपास अगर कटिंग से लाओ तो वो फ्री में बन जाते हैं फ्रेंड। तो गुलदाउदी अभी खिल ही रही है, कलियाँ बड़ी हो रही है, ये देखिए लहसुनिया बेल में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है लहसुनिया बेल के फूल। तो हम बात करेंगे फ्रेंड इस खूबसूरत पत्ती वाले पौधों के साथ, ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला पौधा होता है, मुझे इसका नाम नहीं पता है पर, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हमें सभी पौधों का नाम पता हो, हमें तो अपने गार्डन में बस ऐड करने हैं और खूबसूरती बढ़ानी है अपने गार्डन की। तो इसे भी हम कटिंग से लगा सकते हैं फ्रेंड, अगर आपको कहीं कटिंग मिल जाए आप मिट्टी में ऐसे ही दबा दोगे इसके टुकड़े करके, जो हार्ड होता है उसके टुकड़े करके, तो वो भी चल जाती है। उसके बाद ये देखिए, हम इसे गांव के भाषा में दूध मोगरा बोलते हैं, बहुत ही कलरफुल होता है ये, और ये भी आसानी से कटिंग से लग जाता है फ्रेंड, और ये भी हमें आसपास का किसी कॉलेज में स्कूल में मिल जाता है, तो उसे भी आप लगा सकते हो। और ये है अरेलिया का पौधा, ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती है इसकी भी, और ये बहुत ही कम केयर में चलता है, तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हो। उसके बाद ये देखिए स्पाइडर प्लांट, इसको भी आप कटिंग से इसके रनर द्वारा या इसे डिवाइड करके भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो फ्रेंड। और हम इसे तो कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे हम, ये बहुत ही खूबसूरत होता है कोलियस, बहुत कलरफुल पत्तियाँ होती है इसमें और कलरफुल वेराइटी भी आती है, तो आप इसे भी कटिंग से अभी लगा सकते हो फ्रेंड, बहुत ही कलरफुल हो जाएगा आपका गार्डन। और ये देखिए, ये है पर्पल हार्ट, आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो कटिंग से, बहुत ही आसानी से लग जाती है इसकी कटिंग, छोटी सी छोटी टिप भी अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो ये लग जाती है। उसके बाद ये देखिए लालसा का पौधा है, इसका भी कलर रेड ही होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये भी, तो आप इसको भी आसानी से अभी नवंबर दिसंबर में कटिंग से लगा सकते हो फ्रेंड। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए इधर सभी मैंने कटिंग से तैयार किए हुए पौधे हैं, बहुत ही आसानी से ये चल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है फ्रेंड, हमारे गार्डन में बहुत अच्छा लुक देता है ये भी, और ये भी आसानी से कटिंग से लग जाता है। तो मैंने इसके दो पौधे तैयार कर लिए हैं आसानी से, और ये देखिए अरायू का पौधा है, इससे भी आप कटिंग से लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है इसकी, ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर, दो कलर में आता है ये, ऊपर के पत्ते हरे और नीचे में लाल कलर के होते हैं, और ये लीली जो
गर्मियों में खिलती है, पर बाकी दिनों में ये हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरती लाती है फ्रेंड। और ये अक्का का पौधा है, ये भी हमारे गार्डन में खूबसूरती भर देता है। और ये देखिए फ्रेंड, ये भी ऐसे पौधे हैं जिनके नाम तो नहीं पता है, पर बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती है इनकी और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं ये। और हमारे आजू बाजू में मिल ही जाते हैं, किसी के घर में, किसी के बगीचे में या ऑफिस में वगैरह बाहर लगे हुए हैं। तो आप इसकी भी कटिंग ला कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये पौधे और बहुत ही जल्द इनकी कटिंग भी लग जाती है फ्रेंड। तो आप भी इनको लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए स्नैप प्लांट, ये भी आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसके पत्ते भी आप काट के लगा दोगे सैंड या मिट्टी में तो इसकी कटिंग भी चल जाती है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती है इसकी भी। उसके बाद ये देखिए सिंगोनियम, इसमें भी दो तीन कलर की वेराइटी आती है, छोटे बड़े पत्ते वाले भी आते हैं और रेड कलर का भी सिंगोनियम आता है। तो आप इसको भी मनी प्लांट की तरह इसे भी अगर आप कटिंग से लगा सकते हो तो बहुत ही आसानी से ये भी लग जाता है फ्रेंड। बहुत उसके बाद ये देखिए मनी प्लांट को भी आप लगा सकते हो, इसकी भी बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती है और ये हमारे गार्डन में बहुत अच्छा लुक देता है और इसके रूट भी निकले हुए होते हैं तो ये आसानी से लग जाता है और पत्तों द्वारा भी ये लग जाता है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सबसे फेवरेट पौधा है ये, बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती है इसकी और इसे तो थोड़ी धूप ही पसंद है क्योंकि मैंने छाँव में रखा था तो ये बढ़ नहीं रहा था, जब धूप में रखा तो ये बढ़ रहा है फ्रेंड। अच्छे बड़े बड़े पत्तियाँ हो रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हो फ्रेंड, इस तरह से आप नवंबर दिसंबर में अपने गार्डन में लगा